अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको ड्रामा सीरियल किस्मत की किस्त नंबर 3 का रिव्यू देंगे, जो कि अब दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। ड्रामा सीरियल किस्मत दो बहनों की कहानी है, जो कि माहम और सोहा हैं, और उनकी शादी दो भाइयों से हो रही है, अदनान और रेयान के साथ। आप देखने वाले हैं कि रेयान और सोहा की मंगनी के बजाय डायरेक्ट निकाह कर दिया जाता है, लेकिन रुख्सती सिर्फ माहम की होती है। रेयान अपने भाई और भाभी से कहता है कि अगर सोहा की रुख्सती भी हो जाती तो क्या बुरा था, अब मुझे पता नहीं कब तक इंतज़ार करते रहना पड़ेगा। वलीद घर जाकर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और गुस्सा करता है। वो अपनी माँ से कहता है, अब तो आप खुश हो गई होंगी, ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी। वलीद अंधेरे में गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सोहा रेयान के साथ होती है जब उसे वलीद के बारे में फ़ोन आता है कि वलीद हॉस्पिटल में है। सोहा रेयान से कहती है कि आप मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर चलें। सोहा वलीद को देखकर रोने लगती है। रेयान ये मंज़र देखता है और परेशान हो जाता है कि ऑफिस के कुलीग के लिए सोहा क्यों रो रही है, उसके साथ इतनी मोहब्बत कैसे हो सकती है। बिलाखिर रेयान इनसे पूछ लेता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हों और मैं आपके दरमियान आ गया हूँ। इस तरह रेयान को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। रेयान घर आकर अपने भाई के सामने रोता है कि भाई सब ख़त्म हो गया है। सोहा माहम से मिलने आती है और उसे बताती है कि मैं सिर्फ वलीद से मोहब्बत करती हूँ, मैं रेयान के साथ नहीं रहना चाहती। इतने में अदनान भी आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो सोहा से कहता है कि इससे पहले कि तुम मेरे भाई को छोड़ो, मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे देता हूँ। और अदनान शादी के तीसरे दिन ही माहम को तलाक दे देता है। व्यूअर्स, हमें लगता है कि सोहा का ये एक ख्वाब होगा और अदनान माहम को तलाक नहीं देगा। आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय के बारे में हमें ज़रूर आगाह करें, और मज़ीद रिव्यूज़ और ब्रांड्स के मुतालिक मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।